हेलो एवरीवन, आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग मुझे इस लिंक पर फॉलो करिए और इस कोर्स में एनरोल करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई भी लेसन, कोई भी कोर्स आपसे मिस ना हो। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो एक इसको ना कहानी के रूप में पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई थी, तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको आज़ादी मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो 1945 के बाद से 1955, 56, 60s तक काफ़ी कंट्रीज़ धीरे धीरे करके आज़ाद हो रही थी। ठीक है, अब लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और चीज़ हो रही थी, वो ये हो रहा था कि विश्व दो पोल में डिवाइड हो रहा था। एक पोल जो ईस्टर्न था, एक पोल जो वेस्टर्न था। ईस्टर्न साइड में जो USSR था वो एक मेन पावर थी, और वेस्टर्न साइड में USA। तो इन दोनों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जो कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही थी उनको भाई अपनी सोवरेंटी चाहिए। ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में ना जाएं, ना किसी के अगेंस्ट, ना किसी के साथ। तो 1955 में क्या हुआ कि इंडोनेशिया, जिसको उस समय बंदूंग कहते थे, ठीक है, और अफ्रीका के जो नेशन जो नए नए आज़ाद हुए थे, भारत हो गया, एशिया के कुछ नेशंस, उन्होंने ये टर्म क्वाइन करी जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, अब 1953 में क्या हुआ, जो भारत के एक IFS ऑफिसर थे, इंडियन डिप्लोमेट थे, VK कृष्णा मेनन, उन्होंने 1953 में ये जो नॉन अलाइनमेंट टर्म है और इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन किया यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, तो फाइनली 1961 बेलग्रेड में ये जो है स्थापित हुई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यहाँ पे फाउंडेड हुआ। ठीक है, अब इसके किस किस ने फाउंडेड किया, ये मेन जो है, ये मेन पांच लीडर थे इसमें। भारत से इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट सुकर्नो थे, इजिप्ट के दूसरे प्रेसिडेंट कमाल अब्देल नसीर थे, घाना के पहले प्रेसिडेंट क्वामे निक्रुमाह थे, और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो थे। ठीक है, तो इन पांच लोगों ने ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, इनका ये इनिशिएटिव रहा। ठीक है, समझे ना, मकसद क्या था कि भाई एक अल्टरनेटिव होना चाहिए लोगों के पास, जो नए देश आज़ाद हो रहे, ताकि विश्व में एक एक शांति स्थापित हो सके। ठीक है, और हर नेशन अपनी सोवरेनिटी एंजॉय कर सके, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो कि भाई ईस्टर्न में जाना है या वेस्टर्न ब्लॉक में जाना है, रशिया के साथ जाना है या फिर USA के साथ जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं नेम और उसकी प्रिंसिपल्स। तो अभी लगभग 120 के आसपास मेंबर्स हैं और 17 उसके ऑब्जर्वर नेशन से ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है, और जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज। ठीक है, अब हुआ क्या था कि नेहरू ने जब इंडिया चाइना की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी चल रही थी, तो उस दौरान इंडिया चाइना के रिलेशन के लिए नेहरू ने 5 पिलर्स दिए थे, जिनका नाम था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि ये जो नीति थी, ये जो एग्रीमेंट था, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वालों ने, उन सारे कंट्रीज ने, उन सारे देशों ने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इससे उनका प्रिंसिपल, इससे उनका ऑब्जेक्टिव हल हो रहा था। वो भी तो यही चाहते थे ना कि संसार में पीस रहे। तो जो पंचशील एग्रीमेंट था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, वो नेम कंट्रीज ने, नेम ग्रुप ने, नेम मूवमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, प्रेजेंटली इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, वो है निकोलस मादुरो। ठीक है, ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, नहीं, इट इज करेंटली हेडेड बाय द प्रेसिडेंसी ऑफ वेनेजुएला अंडर द सेक्रेटरी जनरल निकोलस मादुरो। ठीक है, तो अब इसमें इसकी जो मेंबरशिप है ना, जैसे कि मैंने को बताया, मोस्टली वो लोग हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग है, अफ्रीका में, कुछ एशिया में। ठीक है, तो ये उन कंट्रीज की आवाज है जो एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो सकते हैं, जो एपिडेमिक्स के शिकार होते हैं, जो डोमेस्टिक, जो सिविल वॉर के, इंटरनेशनल वॉर के शिकार होते हैं, जिनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लॉयट करने की साजिश हो सकती है, या फिर उनके साथ ऐसा हो चुका है या हो रहा है, या फिर उनका इंटरनेशनल फोरम में, उनका IMF में, WTO में, वर्ल्ड बैंक में, यहाँ पर उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए नेम की आवश्यकता है।
ये जरूरत है नेम की, इसीलिए नेम की जो रेलिवेंस है वो अभी भी कम नहीं हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 1992 में क्या हुआ था कि नेम सक्सेसफुल हुई थी जकार्ता समिट के बाद बाइपोलर वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, कोल्ड वॉर ख़त्म करने के लिए, विद द फॉल ऑफ यूएसएसआर, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर दैट इज सोवियत यूनियन। लेकिन वो 2-3 साल तक टिक पाई थी, उसके बाद अभी भी कोल्ड वॉर चली रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि सीरिया के विषय में क्या हो रहा है, जो आईएसआई का विषय है, आईएसआई का जो इशू है, आईएसआईएस का जो इशू है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। जो रशिया है और यूएस दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक है। तो मेंबरशिप लेकिन इसकी बड़ी है, तो ये शो कर रहा है कि रेलिवेंस भी बढ़ रही है। इसने सारे जो एलिमिनेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड करी थी कि सारे देश सारे न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर दें, ऐसा ना हो कि किन्हीं 4-5 नेशन के पास हो, बाकी लोगों के पास ना हो, बाकी लोगों पे इम्पोज करा जाए कि आप केवल पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज़ करोगे। तो भारत और नेम कंट्रीज चाहते हैं कि सब हर तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हर कंट्री ख़त्म कर दे, ठीक है। और इन्होंने एक ग्रुप ऑफ 77 बनाया, G77 जिसको बोलते हैं, जिसमें मोस्टली नेम कंट्रीज हैं। अब इनका एजेंडा ही यही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फोरम्स में, वर्ल्ड फोरम्स में जो G77 है उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट रेज करे जाएं, ये इंपॉर्टेंस है G77 की, यही इंपॉर्टेंस है नेम की, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के सारे इंटरेस्ट देख रहा है। अब हुआ यह था कि नेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ताइवान से चाइना को यूएनएससी में परमानेंट सीट दिलवाने को। ताइवान को उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला करते थे, ठीक है। तो इससे भारत के भी जो 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 क्रेडेंशियल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं कि भाई चाइना की मदद करे और यूएनएससी में एज एन नॉन परमानेंट मेंबर्स बहुत ज़्यादा भारत का रोल रहा है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का बहुत रोल रहा है। तो भारत के जो क्रेडेंशियल हैं यूएनएससी में परमानेंट रोल के लिए वो भी इससे बढ़ते हैं, ठीक है। और भारत ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए किया है, उनकी इकोनॉमी, उनके यहाँ पे एजुकेशन, वोटिंग, डेमोक्रेसी, इस चीज़ से भी भारत का रोल, भारत की इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल फोरम्स में बढ़ती है, ठीक है। तो भारत के लिए भी नेम का फ़ायदा है और जो नेम कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो फ़ायदा है ही है, अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल फोरम्स में बुलंद करने के लिए, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ और टर्म्स डिफाइन करते हैं कि भाई अभी जो ये नया जो चीज़ शुरू हुई है न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है, उसको फाइट करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन, वॉर, हंगर, पॉवर्टी, डिजीज़, इसको फाइट करने के लिए, टू प्रमोट द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, टू हैव टू फ्रेम द कंक्रीट इकोनॉमिक एजेंडा फॉर जस्ट एंड फेयर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसे मैं आपको मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये सब क्यों ज़रूरत है, नेम की ज़रूरत क्या है। क्रिटिसिज्म अभी नेम का ये दिया जा रहा है कि भाई अब जो है वर्ल्ड जो है बाइपोलर नहीं है, या तो वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी नेम की रेलिवेंस है क्योंकि देखो मेंबरशिप भी बढ़ रही है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी भी प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन है, अभी भी प्रोन टू इग्नोरेंस है, उनका इग्नोरेंस इंटरनेशनल फोरम्स में इजीली हो सकता है, यूएन फोरम्स में इजीली हो सकता है। तो इसलिए नेम की इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको स्ट्रेंथन कैसे करा जाएगा, इसको स्ट्रेंथन करने का तरीका यह है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन, जो कंट्रीज साउथ में है वर्ल्ड के उनका कोऑपरेशन, जैसे इंडिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उनमें बड़े कोऑपरेशन, क्योंकि नॉर्थ में जो है वो सारी बिगर पावर्स हैं जैसे यूएस, चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन और फंडामेंटल एजेंडा होना चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव हो, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, मल्टी कल्चरलिज्म हो गया, मल्टी एथनिसिटी हो गया, मल्टी रिलीजन हो गया। तो ये सब एजेंडा होने चाहिए, आप यू शुड मूव टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव एजेंडा होना चाहिए, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने हैं, फ्यूल की बर्निंग कम करनी है, ठीक है, हेल्थ, जैसे एड्स हो गया या फिर कोई और एपिडेमिक हो गई, कोई और डिजीज़ हो गई, उसको फाइट करना, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको रोकना, पॉवर्टी को कम करना, फूड क्राइसिस कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कम करना, जो एक रिच और पुअर में डिवाइड होती जा रही है उसको ख़त्म करना, किसी और तरह के जो भी डिविजन्स हैं सोसाइटी में, जैसे एक्सट्रीमिज्म हो, जीनोफोबिया हो, एथनिक नेशनलिज्म हो, रीजनल हो, लैंग्वेज का कोई फाइट हो, इन सबसे ऊपर उठना। अगर आप इन सबसे ऊपर उठोगे, एक होगे, आपका एजेंडा प्रोग्रेसिव होगा, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नेम से वर्ल्ड को फायदा होगा, बिकॉज नेम में 55% पॉपुलेशन रहती है, नेम कंट्रीज में 55% आबादी रहती है पूरे विश्व की, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
तो ये था नेम के बारे में, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।